बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंबर नंबर टू पे नंबर 46, अपनी और अपने घर की हिफाजत। अल्लाह ताला से अपने आप को हर मुसीबत और बुरी बातों से बचाओ की दुआ करते रहिए। अपनी हिफाजत के लिए कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। अपने घर का पता याद कीजिए और लिखने की मशक कीजिए। अपना नाम, स्टूडेंट आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। वालद का नाम, यहाँ पर वालद का नाम लिखना है। मकान नंबर, स्टूडेंट यहाँ पर मकान नंबर लिखना है। मोहल्ला, टाउन, ब्लॉक, आपने यहाँ पर मोहल्ला, टाउन या ब्लॉक जहाँ रहते हैं वो लिखना है। शहर, शहर का नाम लिखना है। मुल्क, मुल्क का यहाँ पर नाम लिखना है। पढ़िए और याद रखिए स्टूडेंट। अपना, अपने, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन या बड़े भाई में से किसी का फ़ोन नंबर याद कीजिए। अपने घर का पता और फ़ोन नंबर किसी अजनबी को ना दीजिए। घर के बाहर का दरवाज़ा खुला ना रहने दीजिए और हमेशा बड़ों से पूछकर खोलिए। अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो दरवाज़ा ना खोलिए जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि बाहर आपके करीबी रिश्तेदार हैं। बावर्ची खाने में ला ज़रूरत ना जाइए। अपने से छोटे बच्चों को भी ना जाने दीजिए। चूल्हों, गरम चीज़ों, मसलन इस्त्री, उबलते पानी वगैरह से दूर रहिए। बिजली के गैर ज़रूरी बल्ब, ट्यूब लाइट्स बंद कर दीजिए। घर से निकलते वक्त देखिए कि चूल्हे, लाइट्स, पानी के नल बंद हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे नंबर 47, जानवरों के घर। परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। शेर के घर को कोछार कहते हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। गिलहरी और खरगोश कहू में रहते हैं। मुर्गी के घर को डरबा कहते हैं। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं। डरबे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसले को छार, बिल और कहू जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। मिलाइए, बताइए कौन सा घर किस जानवर या परिंदे का है। परिंदे या जानवर की तस्वीर को इसके घर की तस्वीर से मिलाइए। स्टूडेंट ये बिल है तो चूहा बिल में रहता है, चूहे के साथ मिला देंगे। और शेर, शेर को छार में रहता है, इसके साथ मिला देंगे। मुर्गी डरबे में रहती है, इसके साथ मिला देंगे। परिंदे घोंसले में रहते हैं, इसके साथ मिला देंगे। खरगोश कौ में रहते हैं, इसके साथ मिला देंगे।